गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चूंकि मेरे यहाँ इवनिंग है इसलिए मैंने इवनिंग बोला, और जिनके अभी मॉर्निंग हो रही है उनके लिए गुड मॉर्निंग। और मैं आशा दिव्यांश मस्ती स्टेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने ये बताया था मनोज भाई के द्वारा कि कैसे वीडियो को वायरल करें। ठीक है, ऐसा क्या करें जो वीडियो वायरल हो। अब ज्यादा टाइम में लगते हुए मैं एक वीडियो आपको ये दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी आप मेरे यहाँ पर चैनल पर नाम देख सकते हो, मनोज दे, जहाँ पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो ये 2 मिलियन जो सब्सक्राइबर है, क्या मेरा ये एक दिन में सब्सक्राइबर बन गया है? इसको दोस्तों, कभी तो ऐसा दिन था जब मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो 100 थे, कभी ऐसा दिन था कि 1000 था, और कभी ऐसा दिन था कि 10 था, और कभी तो ऐसा दिन था जब 0 था, क्योंकि जिस दिन मैंने चैनल को बनाया था उस दिन तो 0 सब्सक्राइबर एकदम नहीं। तो ये जो मैंने 0 से इस चैनल को जब स्टार्ट किया, और आज जब 20 लाख का जब मैंने एक फैन बेस यहाँ पर क्रिएट किया है, 20 लाख ऑडियंस को जोड़ा है अपने चैनल पर, तो कभी तो 0 था और अभी आज 20 लाख है। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल? लाइक मैंने स्टार्टिंग में अपने चैनल पर कैसे व्यूज लाया था जब मेरा चैनल एकदम न्यू था। तो आज का ये टॉपिक ही दोस्तों उसी पर है। आप लोग में से काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर ऑडियंस हैं मेरे जिसके 1000 सब्सक्राइबर से भी कम सब्सक्राइबर है, और जिनका चैनल मान लीजिए कि एकदम न्यू है, तो वो लोग अपने वीडियोज़ पर व्यूज़ आखिर कैसे लाए, व्यूज़ आएगा कैसे, सब्सक्राइबर बढ़ेगा कैसे, वॉच टाइम मिलेगा कैसे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब का कोई ट्रिक नहीं होता। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब 2 मिलियन बनाए हैं सब्सक्राइबर, तो मेरे जो यूट्यूब जर्नी में है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को जाना, सीखा, एक्सपीरियंस किया, तो वही चीज़ जस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और उससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाता है कि हाँ, अगले ने ऐसा करके किया था तो मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही ट्रिक लगाता हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो पे इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप अपने स्टार्टिंग के डेज पे अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे व्यूज़ ला सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखना, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, मनोज23 यूजर नेम है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो, शेयर करते हो, चाहे वो आप अपने व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप के साथ अपने वीडियोस को शेयर करते हो, जिससे आपको इनिशियल कुछ व्यूज़ आ जाता है, 100, 150, 200 जो भी हो। लेकिन मैं अपना खुद का अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ को कभी भी शेयर नहीं करता था। तो आप बोलोगे कि आपका व्यूज़ आता कैसे था जब शेयर ही नहीं करता था? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक रियलिटी है। अगर आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस बनाते हो तो YouTube आपके वीडियोस को इम्प्रेशन लोगों तक भेजता है, मतलब YouTube आपके वीडियो को लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन व्यूज़ आएगा या नहीं, वो लोग आपका वीडियो खोलेगा या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आप व्यूज़ कैसे लाओगे, उस पर मैं खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे लाया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी अपने चैनल पर मैं चलता हूँ और आप लोगों को मैं खुद दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आखिर ऐसा क्या किया था जिससे मेरे वीडियोज़ वायरल हुआ, अच्छा ऑडियंस मिला, रीच मिला, चैनल बूस्ट हुआ, बढ़ने लगा, आज 2 मिलियन का सब्सक्राइबर है। चलिए चलते हैं चैनल पर। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक इससे पहले एक चैनल था टेक्निकल मनोज, मैं उस चैनल पर दिखाऊंगा कि वहाँ से मैंने स्टार्ट, एक्चुअली मैंने यूट्यूब स्टार्ट कब किया था, टेक्निकल मनोज जो मेरा ओल्ड चैनल है वहीं से किया था, ये चैनल तो मैंने बाद में बनाया था। तो मैं पुराने चैनल से ही दिखाऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग में पुराने चैनल से कैसे व्यूज़ लाया था, और उस चैनल पे मैंने 5000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया था जब उसका एडसेंस डिसेबल्ड हो गया था, तब मैंने ये वाला चैनल खोला था। तो वहाँ से मुझे इनिशियल कुछ सब्सक्राइबर इस चैनल पर मिल गया था। मतलब ये है कि मैंने जो टेक्निकल मनोज चैनल है मेरा पुराना वाला, उस पर मैंने स्टार्टिंग से 0 सब्सक्राइबर से सारे सब्सक्राइबर बनाए हैं, ओनली वीडियोस से, कंटेंट के दम पे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं आखिर क्या करता था ऐसा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने चैनल पर जो कि नाम था टेक्निकल मनोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, वो टेक्निकल मनोज मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। टेक्निकल मनोज सर्च करके दोस्तों ये देखिए, मेरा जो ये फर्स्ट वाला जो चैनल है 46,000, ये मेरा पहला चैनल है जिस पे मैंने टेक वीडियोज बनाना शुरू किया था। ठीक है, यही वो चैनल है जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग किया था। तो इस चैनल पर मैं क्या करता था, स्टार्टिंग पे व्यूज़ कैसे आया था, आज यहाँ पर देखिए 46K सब्सक्राइबर है। जब मेरा ये चैनल डिसेबल्ड हुआ था एडसेंस, तब यहाँ पर 5 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर मेरा हो चुका था। तो गाइज, यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने वीडियोज़ पे। ठीक है, वीडियोज़ पे गया और शॉर्ट बाय पे क्लिक करके मैं चलता हूँ ओल्डेस्ट वीडियो, जहाँ पर मेरा पहला वीडियो आ जाएगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, 4 साल पहले मैंने टेक चैनल ओपन किया था, ये मेरा पहला चैनल है, और इसमें पहला जो वीडियो था वो था हाउ टू एक्टिवेट जियो
प्राइम मेंबरशिप। तो ये जियो प्राइम मेंबरशिप उस टाइम जियो लॉन्च हुआ था 4 साल पहले, तो उस टाइम जियो के काफ़ी सारे वीडियोस बनते थे और काफ़ी सारे वीडियोस वायरल भी होता था। तो मैं भी ट्राई करता था कि ऐसा कुछ वीडियो बना दूँ जियो के रिलेटेड जिससे वायरल हो जाए। तो मैंने पहला वीडियो जियो से रिलेटेड बनाया था बट उसमें व्यूज़ नहीं आया था। आज उस पर 40K व्यूज़ दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ मेरे जो मनोज दे इस वाले चैनल का जो ऑडियंस है वही लोग जा करके चेक किए हैं कि आखिर मनोज भाई पुराने वीडियोस कैसे बनाते थे, इसीलिए इतना व्यू है। लेकिन उस टाइम व्यू नहीं आया था, ओनली 40 व्यूज़ भी नहीं था उस पर, ठीक है। अभी तो 41K दिख रहा है। अब दोस्तों उसको छोड़ते हैं। सेकंड वीडियो मैंने बना दिया था, सलमान खान स्मार्टफोन कंपनी खोल रहे हैं, अपना स्मार्टफोन निकालने वाले हैं। ये मैंने टेक न्यूज बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने टेक्निकल गुरुजी को देख लिया था कि वो टेक न्यूज बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी बनाता हूँ टेक न्यूज। तो मेरा सेकंड वीडियो ही टेक न्यूज पे है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों करता था। अब दोस्तों जो थर्ड वीडियो है वो है 2 मोस्ट ऑसम यूजफुल एप्स मस्ट वॉच बाय टेक्निकल मनोज। 2 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ऑसम है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, 2 एप्लीकेशन। अब 4th नंबर का वीडियो था कि 2 YouTube चैनल्स विथ 1 Gmail अकाउंट कैसे बनाए, 1 Gmail से 2 चैनल। यहाँ पर आप लोग वीडियो को देखते रहो, मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मैं दूंगा आज की इस वीडियो पे कि YouTube पे ग्रो आखिर करते कैसे स्टार्टिंग पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, फिर 5th नंबर का जो वीडियो था वो था मेरा हाउ टू चेंज फोटो बैकग्राउंड ब्लर लाइक DSLR। फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करें, क्योंकि उस टाइम पोर्ट्रेट मोड नहीं आता था कैमरा में फोन पे, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ एडिटिंग से सिखाया था यहाँ पर पिक्सार्ट से। फिर मैंने बना दिया J5 J7 एक सैमसंग का फोन है उसमें अपडेट आएगा या नहीं। फिर मैंने बना दिया था कि एक ऐसा यूजफुल ऐप जो कि आपको इंडियन रेलवे से सब कुछ बता देगा। फिर जियो का वीडियो है, फिर मेक बेल आइकन कैसे बनाते हैं, फिर 3 सीक्रेट हिडन एंड्रॉइड ट्रिक, और यहाँ पर व्हाट्सएप पे ऐसे एक एप्लीकेशन है 3 सीक्रेट हिडन व्हाट्सएप ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग नोटिस करो कि मेरा जो यहाँ पर कंटेंट मैं स्टार्टिंग में डालता था वो आपको एक ट्रैक पे नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियो मिल रहा है। पहला है जियो रिलेटेड, सेकंड है सलमान खान से रिलेटेड टेक न्यूज, थर्ड है 2 एप्लीकेशन के बारे में, 4th है जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल कैसे खोले, 5th में आ गया एडिटिंग रिलेटेड, ठीक है, 5 में आ गया अपडेट रिलेटेड, फिर मैंने एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग डेज पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मेरा मानता हूँ कि ये मेरा टेक्निकल चैनल था तो मैंने टेक के ही रिलेटेड वीडियोस बनाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पे बनाना शुरू कर दे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे ही वीडियोस देख करके वो इंस्पायर हो गए लाइक, और क्या करते हैं फिर कि मनोज भाई यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाता है, यूट्यूब अपडेट देता है, चलिए हम भी यूट्यूब अपडेट देना शुरू कर देते हैं, हम भी मनोज भाई की तरह यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आपका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके नए नए चैनल है आपको ट्राई करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना, मतलब जो आपका ये है कैटेगरी वही रहेगा, टेक है लेकिन मैंने अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया। उसी तरह आपका अगर मान लीजिए ब्लॉग वाला चैनल है तो आप ब्लॉग ही बनाओ लेकिन उस पर अलग अलग तरह के ब्लॉग बनाओ, लाइक एक कभी मोटो ब्लॉग कर लिया, कभी आप ट्रैवल ब्लॉग का वीडियो बना दिए, कभी फैमिली ब्लॉग बना लिए, कभी बच्चा के साथ ब्लॉग बना लिए, क्या पता कौन सा वायरल हो जाए। और जिस दिन आपका एक भी वीडियो वायरल होता है उस दिन आपको उसी ट्रैक को पकड़ के वीडियो बनाते रहना है। यही चीज़ मैंने अपने यूट्यूब जर्नी में किया है। मैंने एक्सपेरिमेंट कब तक किया था पता है, जब 50,000 सब्सक्राइबर था तब भी मेरे उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे, फिर मेरे एक वीडियो वहाँ पर फाइनली वायरल होता है कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को शूट कैसे करता हूँ, तो उसमें व्यू आ गया मेरा 500K 5 लाख, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर मिल गया। अब मैं समझ गया कि वो वीडियो किसने देखा होगा जो यूट्यूबर है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो शूट कौन करता है, यूट्यूबर लोग करता है। तो मैंने समझ गया कि मेरा ऑडियंस अब उसी बेसिस पे बन चुके हैं, और फिर वहाँ से मैंने सीधे उसी ट्रैक को पकड़ा कि मैं यूट्यूब रिलेटेड ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करें, काफ़ी सारे वीडियोज़ फिर वायरल होना शुरू हो गया। तो आपको इसी चीज़ का एक दिन का वेट करना पड़ेगा। शुरू में आप अपने चैनल के कैटेगरी चूज करो, उसके बाद अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, तब तक करो जब तक एक वीडियो वायरल नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो कभी ना कभी आपका वायरल होगा। यूट्यूब पे यही एक चीज़ है, आप शेयर करो ना करो आपका व्यूज आएगा अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। तो कंटेंट अच्छा है या नहीं आपको पता नहीं चलेगा, आपको करते रहना है, काम करते रहिए कभी तो सही जगह में तीर का निशाना लगेगा, यही होता है। मान लीजिए आप आंख बंद करके तीर चला रहे हो कभी तो ऐसा होगा कि वो राउंड वाला जो गोल जो बीच वाला होता है उसमें कभी ऐसा भी होगा कि सही जगह पे लग जाएगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि YouTube के बारे में कोई नहीं जानता, YouTube के SEO के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। मैं कोई यहाँ पर ज्ञानी महाराज नहीं हूँ कि YouTube के SEO के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं सारे वीडियोज़ को मैं खुद ही क्यों नहीं वायरल कर लेता और मैं सबको पीछे करके आज आगे निकल जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, YouTube के SEO के बारे में कोई नहीं जानता, चाहे उसका 20 मिलियन सब्सक्राइबर या 30 मिलियन सब्सक्राइबर, सब बस अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहता है
वीडियो एक जगह सही वहीं बताया मैंने कि सही तीर जब निशाने पे लगता है तो वीडियो वायरल हो जाता है, तो आपको करते रहना है और उस दिन का वेट करना है तब तक जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होता। और यही चीज़ मैंने किया था और ये चीज़ मैंने आपको दिखाया। आपको देखा देखी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना कि अगला ऐसा वीडियो बना रहा था मैं भी ऐसा बनाना शुरू कर दूँ। एक्सपेरिमेंट कीजिए, चैनल पर खेलिए, उसी दौरान कभी ना कभी आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। डेफिनेटली ये चीज़ होता है। अब कब होगा वायरल वो मैं भी आपको लिख के कहीं नहीं बता सकता कि हाँ भाई 3 महीना आप रेगुलर वीडियो डाल दो तो हो जाएगा, और ये भी नहीं बता सकता कि 6 महीना डाल दो तो हो जाएगा, साल भर डाल दो तो हो जाए। किसी किसी का 3 दिन में हो जाता है, किसी किसी का 3 महीना भी लग जाता, किसी किसी का 3 साल में भी नहीं होता। तो वो तो भाई अपना अपना है, आपको काम करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे स्टार्टिंग डेज पे व्यूज़ कैसे लाता है। बाकी आपको ज़्यादा माथा वाथा सर उर नहीं पटकना है, ऐसे करके भी कोई बेनिफिट नहीं होना है, जो होना है अपने आप होना है। बस मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। मेहनत आपको करना है, टाइमली वीडियोस अपलोड करना है। एंड चलिए आज के इस वीडियो को अगर पसंद आई, कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे उन्होंने भी अपनी आईडी पे वर्क किया था, कैसे उनकी आईडी फ्रीज हो गई थी, कैसे क्या वर्क किया है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और मुझसे ज़्यादा समय शायद आप लोगों ने बिताया है यूट्यूब पर, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी उतनी ही सपोर्ट की ज़रूरत है अभी जितना आप अपने लिए फील कर रहे हैं। तो एक गाना आपने सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, अभी जल्द ही अकाउंट बनाया है, तो मैं भी आपको सब्सक्राइब कर लूँगी। इस तरह से एक चेन बन जाती है न्यू यूट्यूबर्स की, जिससे हम दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको करेंगे।